ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਓ ਬਾਜੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਓ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੌਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਂਝ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘਟੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਪਈ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ जल्दी से मुंह हाथ धो ले खाना दे दो भूख लग रही है बाजी बेबी की बेटी की शादी पे जाना है उधर ही खाना खाएंगे मम्मी शादी पे भी चले जाएंगे लेकिन आप खाना तो दे दो नहीं तू अभी खाना खा लेगा तो शादी पे जाके मेरा सर खाएगा मम्मी और उनकी चलाकियां उफला थक गई हूँ बहुत ज्यादा मम्मी खाना दे दो भूख लग रही है खाना नहीं मिलेगा क्यों भाई खाना क्यों नहीं मिलेगा शादी पे जाना है ना इसलिए वहीं पर जाकर खाएंगे मम्मी कह रही है अच्छा शादी पे जाना है क्या पहनूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी पहन ले तू तो तूने कौन सा प्यारी लग जाना है ऐसा बोल के कुछ भी पहन ले तेरे पे तो हर चीज ही अच्छी लगती है चल चल अपना काम कर अच्छा यार सारी बातें छोड़ मेरा प्यारा भाई होगा मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला दे बहुत गर्मी नौकर नहीं हूँ तेरा उठ के खुद पी गजब बेइज्जती है हर टाइम ना बस तू फोन में ही घुसी रहती है तो क्या तेरे सर में घुसी वैसे मुझे एक बात तो बता तूने मुझे अपने इंस्टाग्राम में क्यों नहीं ऐड किया तूने मुझे रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी मैंने तुझे 10 दफा रिक्वेस्ट भेजी है अब तो तूने मुझे शायद ब्लॉक ही कर दिया तेरी प्रोफाइल ही नहीं शो होती मुझे बायो ठीक कर पहले अपने इंस्टाग्राम की क्या मतलब पेंडुओं की तरह केक बनाया हुआ है आगे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है लड़कियां मरती हैं मेरे ऊपर और तुझे मैं पेंडू लगता हूँ तू मुझे पेंडू लगता नहीं है एक्चुअल में तू है मुंह मत लगा कर ज्यादा क्रिंज इंसान मम्मी यार ये तंग करी जा रही है तो मेरा पेट खाली है ऊपर से दिमाग खाई जा रही है मेरा ये चल फातिमा तू भी अपने कपड़े निकाल तेरे पापा और भाई के तो मैंने इस्त्री कर दिए हैं क्या पहनूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा इतने कपड़े मम्मी आपने मेरे लिए कौन से कपड़े इस्त्री किए हैं तेरे लिए मैंने वेस्टकोट इस्त्री कर दी है वो पहन ली मैंने कोई नहीं पहननी यार वो वेस्टकोट नहीं क्यों नहीं पहननी वेस्टकोट इनू तो मैं दसनी है ना तेरे पास 4-5 सूट है वो भी पापा के पुराने मम्मी यार ये तंग कर रही है दोवें भैन भरा आपस से वे चुंजा लड़ाई ही जावनगे लड़ाई ही जावनगे क्यों नहीं पहननी तूने ये वेस्टकोट मम्मी मैं हर शादी पे ये वेस्टकोट पहन चुका हूँ अब मैंने ये नहीं पहननी इसको कौन से कांटे लगे हैं मार्केट लेकर जाओ नए कपड़े दिलवाओ तभी शादी पे जाऊंगा नहीं तेरी आपकी शादी है तेनू मैं मार्केट लेके जावा तो शॉपिंग करावा बड़ा आया जुबान चलाने वाला पहनने को कपड़े है नहीं इसको उठाए यहाँ से तू उठना जाके अपने कपड़े इस्त्री करो तैयार हो जल्दी जा रही हूँ लेके चीज चंगी नहीं लग गया अब बूट में गोहा लग देते हैं पांच वाले तो उन्होंने दस सारा ले आते कर कर चली जाती हो त्यागी जब यहाँ के पैंट पार लगावा त्याग के लंडे ना तीन तीन प्यारी शर्ट ले आती मैं इसको नहीं तो इसी हैंगर से पटाई करूंगी तेरी मम्मी मैंने ये सूट नहीं पहनना मुझे नहीं पता अच्छा मेरी बात सुन अगर तूने ये सूट नहीं ना पहनना वो तेरा जो अमीर दोस्त नहीं है वो कौन है वो पतलियां टंगाला उन्दे कोल मांग लिया उन्दे कोल काफी ब्रांडेड कपड़े होंदे ने क्या इज्जत रह जाएगी मम्मी मेरी उसके सामने के कपड़े मांगता फिर रहा हूं कौन सी इज्जत तेरी उसके सामने इतनी बार तुझे मार पड़ी हुई है जा मांगा कुछ नहीं कहता कुछ करता हूं जा ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਜਾਓ 15,000 ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਲਾਮੀ ਜੋ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਓ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਸਿਆਪਾ
ठीक चल रहा है ओके। अरे बात तो सुन ले। सुन तो ले, तेरी लव लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही है। आजकल सारी निब्बियां जवान हो गई, हम जैसों को मुंह नहीं लगाते। मेरे पास एक प्लान है जिससे तू बिल्कुल भी सिंगल नहीं रहेगा। वो कैसे? मैं ना एक शादी पे जा रहा हूँ और बहुत सारी लड़कियां आने वाली हैं उधर। बेवकूफ, अपनी कोई शर्ट दे दे मुझे, मैं पहन के जाऊंगा। लड़कियां पूछेंगी, ओ वाओ ये इतनी प्यारी शर्ट किसकी है? मैं कहूंगा मेरी फ्रेंड की है जो बिल्कुल सिंगल है। फिर तेरा नंबर दे दूंगा। जल्दी से जा अंदर और कोई ब्रांडेड शर्ट लेकर आ, ब्यूटीफुल सी। चल ठीक है, मैं अपनी ब्रांडेड शर्ट लेकर आता हूँ। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ले और तुम इससे खाना खाएंगी, इसके ऊपर मत फेंकी। ओके। और हर लड़की को बताएंगी ये मेरी शर्ट है। एक काम कर, इस शर्ट के पीछे ना अपना नंबर लिख दे, थक्की साला। हाँ हाँ रुक, मैं पहले कर आता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, बाय। हरामी साला थैंक यू भी नहीं बोल कर गया, मतलब ही। और तैयार हो के सारे क्यों नहीं आंडा है? गड्डी दा पेट्रोल जाया आंडा है। एक ते आ बुढ़िया बड़ा लेट करांदियां ने, खरे है ना दा जावदा व्याह है, तमाशा बनाया है। ए बुढ़ी आप भी पागल है, ये नाल ने मेरे बच्चियां नु भी पागल कर दिता है। नहीं मैं पागल है, एक ते गड्डी लेके आया, दूजा इन्हां दा इंतजार करा गड्डी च बैठ के। उत्तम मेनू फोन ते फोन आई जान डए ने, मैं नौकर है इत्थे। और निकलो बाहर छेती करो, मैं पागल नहीं हैगा। पापा देखो मैं आपका कितना प्यारा बेटा हूँ, फौरन से तैयार होकर आ गया। ऐडा तो चंगा रहिंदा नहीं। ओ आपकी माँ पे नु कॉल कर, उन्होंने बोल जल्दी आ। ये औरतें ना बहुत टाइम लगाती हैं। वाकई इन औरतों का ना कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने कभी भी कितने भी टाइम ते नहीं पहुँचना, नक कटानी है हर जगह। आ ही नहीं रही यार, उत्थे शादी का खाना खोल जाना है, इन्होंने फिर आना है। इतनी भूख लग रही है ऊपर से पापा। ओ क्यों भूख क्यों लग रही है? जब घर आया तो मम्मी ने बोला कि शादी पे जाकर खा लेना। ऐस तो भूखी बुढ़ी ना मैं आपकी जिंदगी च नहीं कभी देखी। अब बहुत भूख लग रही है, मेनू लगता है शादी ते नहीं हाइटी करन चली है। हाँ ये मम्मी बहुत चलाक है, जिन्नी सलामी देनी उन्हें खाना भी खा के आना है। इतनी लेट आई है। होली बुआ बंद कर, किराए की गड्डी है, तेरे प्यो दी नहीं हैगी। कस कस बुए बंद करन दई है ते एना तैयार कराब दा वली मैं। नहीं ते की हो गया, अज मैं तैयार हो ही आई हां ते शादियां ते नहीं तैयार होना, ते की मोतियां ते तैयार होना। उधर होकर बैठ। ओ तू सलामी फड़ी है के बस तैयार होंदा ही पता है। लेके आई हां, गुस्सा चढ़ा देता फड़ के। पिक्चर से नहीं ठीक आ रही, तू यहां से मेरी एक पिक्चर ले देगा? सिर्फ एक ही खींचूंगा, एक से ज्यादा नहीं। सही आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। मेरी एक टिकटॉक भी बना दे। चल बस कर, नौकर नहीं हूँ तेरा। चल पीछे होके बैठा, मेरे मुंह ना लग। और तुसी आपकी बकवास बंद कर दियो कि नहीं, दो मैं पीछे गड्डी से बैठ के भी लड़ी जान डे। तुहाडी टुनटुन ही नहीं मुकदी पई, एक ही काम है तुहानू दोवां नू। यार मम्मी ये लड़ती है नायक नहीं। गाने तो अच्छे लगा दे यार। तेनू की मसला है मेरे गाने नाल? अपने जमाने के पुराने गाने लगा रखे हैं। ओना दी मेनू फिर कॉल आन डई है, सुबह दी 20 कॉल आ गई ने ते मैं एक नहीं चुकी। सी एक चौके कह दे दियो सी रस्ते च है, कोई इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है ओना नु। हेलो अस्सलाम वालेकुम, असि बस रस्ते च है गया, असि कोई 20 मिनट च पहुंच जावांगे तुहाडे कोल। की कहंदे ने? चलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओके तुसी जा लो शादी ते, शादी कैंसल हो गई। जे नहीं एंजी केंजी कैंसल हो गई, ये क्या बदतमीजी है? इतना तैयार हुआ है, इतनी गर्मी में ऊपर से शादी कैंसल। मुंडे वाले तो दादा फोत हो गया, दादा नु भी आज ही मरना सी। तुसी कर लो किराए दी गड्डियां अरेंज, पै गया ना किराया तुहानू। ते चल कोई नहीं, सलामी दे भी ते पैसे बच गए ने ना। मैं ना करदी नहीं सौ, जड़ी ऐप तो गड्डी आंदी होंदे ते चले जावांगे, रुपया 1000 रुपया बन जाएगा। एड्डी महंगी गड्डी किराए ते चुक ले आए ने, तुसी मेनू कहंदे जे भुखी है चला के ए ओए, आपदी ना जेब वेख के करना पैंदा सारा कुछ। लड़ाई ते पैनी होंदी है साडे घर जदों किसी फंक्शन ते जाना होए। मम्मी इसीलिए आपको कह रहा था कि मुझे तो खाना दे देती। सारे हम चलो घर ते चुप करके जेड़े पुराने आलू टिंडे पैने ना ओ खाओ। अच्छा खासा शादी में जाकर चिकन खाना था। जूतियां मिलनी चाहिए तुझे, चिकन दो इसे। देनिया मैं चंगी तरह सलामी तुहाडे पिछलियां नू। ऐसे कम बैठे हैं पूरा दिन, विच टाइम कढ़िए तैयार होइए ते बाद च इन्हां दा दादा पर दादा नानी दादी पुप्पी चाची मर जावे। चलो उतरो सारे घर, चलो चलो अब घर जाके कपड़े चेंज करो।
ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਹੀ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ, ਤੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿਤੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਫਾਤਿਮਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ਜੁੱਤੀ ਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਜੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਉਸਕੀ ਚਲਾ ਕਿਉਂਕਿ